दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक जाइंट के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा सैमसंग स्मार्टफोन के कीबोर्ड के 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको देखने के बाद दोस्तों आप बन जाएंगे एंड्रॉयड फ़ोन के टाइपिंग मास्टर। और दोस्त ट्रस्ट मी, ये जो फीचर्स हैं ये इनको देखने के बाद दोस्तों आपका टाइपिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपक पांडे, आप देख रहे हैं टेक जाइंट यूट्यूब चैनल। तो बिना देर करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पहले फीचर की। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कोई हैवी पैराग्राफ लिखने के बाद आपको कर्सर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली अपने स्पेस बार के ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है और आप देखेंगे कि आपको मिल चुका है कर्सर कंट्रोल का ऑप्शन। अब आप अपने थंब को दोस्तों लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे उस डायरेक्शन में आपका कर्सर बहुत ही ईजिली मूव हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें दोस्तों, कई बार क्या होता है कि किसी पैराग्राफ को लिखने के बाद अगर हमें कुछ इरेज करना होता है तो जब हम यहाँ पर इरेज बटन को प्रेस करते हैं तो इरेज बटन को प्रेस करने के बाद में ज़रूरत से ज़्यादा जो सेंटेंस हैं वो यहाँ पर इरेज हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इसको अनडू करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने कीबोर्ड के ऊपर सिंपली अपनी 2 फिंगर को स्वाइप करना है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ऐसा करने से दोस्तों आप अनडू कर पाएंगे जो भी पैराग्राफ आपने रिसेंटली डिलीट किया है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को मैसेज टाइप करना चाहते हैं उसकी अपनी ऑन लैंग्वेज में, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों कि हमें खुद वो लैंग्वेज की नॉलेज बहुत कम होती है। तो ऐसे में दोस्तों क्या करना है, आपको टैप करना है 3 डॉट के ऊपर और जाना है ट्रांसलेट वाले फीचर में। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये हमने लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और अब आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करूँगा जो मैसेज सेंड हुआ है वो हिंदी में सेंड हुआ है, क्योंकि दोस्तों ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है इनपुट लैंग्वेज इंग्लिश और आउटपुट लैंग्वेज हिंदी। और यहाँ पर दोस्तों आप मल्टीपल लैंग्वेज को अकॉर्डिंगली चूज करके बहुत ही आसानी से मैसेजेस सेंड कर सकते हैं सामने वाले को उसकी अपनी लैंग्वेज में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर की। कई बार क्या होता है कि आपको किसी को कोई इमेज या फोटोग्राफ या कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई एक कॉन्टेक्ट सेंड करना होता है अपने फ़ोन में से। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्लिप वाले आइकन पर टैप करके इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में सेंड कर पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप अपने डायरेक्ट कीबोर्ड को यूज़ करके भी चीज़ों को सेंड कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक में। ऐसा करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली टैप करना है 3 डॉट के ऊपर और 3 डॉट पर टैप करने के बाद में आप देखेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है ये मिल रहा है सर्च का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ हम फॉर एग्जांपल टाइप कर देते हैं दीपक। तो दीपक टाइप करने के बाद में जैसे ही मैं सर्च पे टैप करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि मेरी बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर आ चुकी हैं। और जैसे ही मैं फ़ोटो ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ मेरी जितनी भी फ़ोटोज़ गैलरी में हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ईजिली फाइंड आउट हो चुकी हैं। बाकी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं सबके अंदर ही ये सेम कीवर्ड को सर्च करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट आ रहे हैं दोस्तों, ये जितने भी दीपक नाम से मेरे फ़ोन में कॉन्टैक्ट हैं सबको एक ही जगह एक ही प्लेस पर शो कर रहा है। तो इस फीचर को यूज़ करके दोस्तों मैं बहुत ही ईजिली ये सारे कॉन्टैक्ट या कोई भी मटेरियल बहुत ही आसानी से सेंड कर सकता हूँ। इसके बाद जो फीचर है दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पर दोस्तों मैं मैसेज टाइप नहीं कर सकता, मेरे हैंड्स जो हैं वो बिजी हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो माइक का ऑप्शन है इस पर टैप करके बहुत ही आसानी से आप वॉइस कमांड दे करके मैसेजेस को टाइप कर सकते हैं। इस फीचर को दोस्तों ट्रांसलिटरेशन कहते हैं। अभी जैसे मैंने इस यहाँ पर माइक पर टैप किया और टैप करने के बाद में मैं यहाँ पर कमांड देता हूँ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं दोस्तों मैंने जिस भी लैंग्वेज में बोला इसने हिंदी में बहुत ही ईजिली यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें किसी वेबसाइट से मल्टीपल पैराग्राफ्स को कॉपी करना होता है, लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जो भी हमने लास्ट में कॉपी किया है सिर्फ हम उसी को ही पेस्ट कर पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि मल्टीपल पैराग्राफ्स को आप एक ही बार में कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद में दोस्तों जब आपको इन्हें पेस्ट करना है तो आपको अगेन जाना है अपने कीबोर्ड के 3 डॉट के ऑप्शन के अंदर और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड में आप देख सकते हैं दोस्तों कि जितने भी पैराग्राफ आपने एक एक करके कॉपी किए हैं सारे पैराग्राफ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी यहाँ पर सिंपली इनको टैप करके आप एक जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सैमसंग स्मार्टफोन के कीबोर्ड के टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।